नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णु सूरी। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। कट्टरपंथियों के अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जो बागेश्वर बाबा के कथावाचक को निशाने पर ले रहे हैं। वो लगातार किसी न किसी नए विवादों से घिरते जा रहे हैं। काशी के संतों के समर्थन के बाद अब काशी विद्वंत कर्मकांड परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य अशोक द्विवेदी ने भी आचार्य धीरेन्द्र को नसीहत दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि तांत्रिक सिद्धियां आपके पास हैं, लेकिन उसका व्यापारीकरण उचित नहीं है। भारत के प्राचीन तंत्र शास्त्रों में कौतुक विद्या का उल्लेख मिलता है। साथ ही ये भी कहा, आचार्य धीरेन्द्र अपनी रामकथा पर ध्यान रखें और निजी संबंधों और निजी लोगों का ही कल्याण करें। वो जो दरबार लगाकर अपनी विद्या के जरिए आम जनता को चमत्कृत करते हैं, ये ठीक नहीं है। रामकथा कहें, लेकिन इसे इवेंट बनाकर पेश ना करें। सिद्धियां जब तक गुप्त रहती हैं तभी कल्याणकारी होती हैं। अगर ये सिद्धियां चली गई तो जीवन कष्टकारी हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय तंत्र शास्त्र से प्राप्त विद्या को व्यापार ना बनाएं। इसी के साथ कई संतों ने धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती दी है, तो वहीं देश के नामी जादूगर शिव कुमार ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती दी। उन्होंने कहा, संसार में कोई अलौकिक या दिव्य शक्ति नहीं है, जादू चमत्कार या अलौकिक नहीं है, ये साइंस का ही एक रूप है। इसे ऐसे पेश किया जाता है जैसे सामने वाले को ये जादू प्रतीत होता है। जादू बहुरंगी, मेडिटेशन और योग का समावेश है, ये कोई भगवान का चमत्कार नहीं है। बता दें कि जादूगर को धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार से मिर्ची लगी हुई है। शास्त्री के बयानों के बाद चमत्कार को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोगों का कहना है कि वो जादूगरों को अपना चमत्कार साबित करें, इसके बाद तमाम जादूगर उनके आश्रम में सेवा करने लग जाएंगे। इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे वीके न्यूज। वीके न्यूज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा, देश सुनेगा।